नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा पे। मैं हूं अशोक वानखड़े और लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज बहुचर्चित लोकसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी का भाषण वाकई उनके नेचर के विपरीत यू टर्न में दिखाई दिया। प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू से लेके तमाम लोगों के उपलब्धियां गिना रहे थे। आने वाले समय अंधभक्तों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो बार बार कहते कि नेहरू ने किया ही क्या है, इंदिरा गांधी ने किया ही क्या है, 2014 तक तो कुछ हुआ ही नहीं, 2014 के बाद ही आजादी मिली। इन तमाम चीजों को ध्वस्त करते हुए उनके महामहिम जो भगवान हैं, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने आज कई चीजों का उल्लेख किया। उन्होंने कई बातें बड़ी दिल खोल के बोली। उन्होंने कई बार अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया, कुछ कोट उन्होंने किए वो बताए, अंबेडकर जी का कॉन्ट्रीब्यूशन बताया, उन्होंने तमाम बातें की। लेकिन आज जो हम बात विश्लेषित कर रहे हैं वो इस सत्र की नहीं, क्योंकि आज कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है 6:30 के बाद, 7:00-8:00 तक कुछ खबर आएगी कि कैबिनेट ऐसी क्या डिसीजन लेने जा रही है। आज सोमवार है, जनरली कैबिनेट बुधवार को होती है, आज सोमवार के दिन हो रही है, इसका मतलब कुछ मायने है। क्या कल कुछ नए लोकसभा के बिल्डिंग में जब गणेश की मूर्ति लेके प्रधानमंत्री जी जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि गणेश चतुर्थी है तो वो उसका उपयोग तो करेंगे, गणपति को हाथ में लेकर पूरे महाराष्ट्र के मतदाताओं को भी साधने का प्रयास करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र गणपति उत्सव महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे होता है और आराध्य है पांडुरंग गणपति के महाराष्ट्र के। वहां राम के मंदिर गांव-गांव नहीं मिलेंगे, लेकिन गणपति और मारुति के मंदिर हर घर गांव में मिलते हैं। तो आज हम जो खबर विश्लेषित कर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश की। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो वो लगातार मनमोहन सिंह सरकार पे हंसते हुए कहते थे कि यहाँ पॉलिसी पैरालिसिस है, इन्हें पता ही नहीं क्या करना है। ऐसा ही मैं पॉलिसी पैरालिसिस उत्तर प्रदेश सरकार में भी देख रहा हूं। कई बार लगता है कि अफसर नेताओं को और नेता अफसरों के बीच में इतना संवादहीनता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं नेताओं को पता नहीं होती, और नेता बाद में जब उनकी किरकिरी होती है तो इंटरफेयर करते हुए दिखाई देते हैं। ये ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गुरुवार को एक आदेश पारित किया और कहा कि कानून व्यवस्था की बैठक की अध्यक्षता जिले के डीएम करेंगे और जिले के एसपी यानी कप्तान साहब उनके अंडर रहेंगे। साथ में ये भी कहा कि जिले में जो थानेदारों का अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए कप्तान साहब को अप्रूवल डीएम साहब से लेना होगा। जैसे ही यह आदेश आया हंगामा मच गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आईपीएस और आईएएस इनका झगड़ा कोई नया नहीं है, कई बार ऐसे झगड़े आमने सामने आए हैं। और खासकर मुलायम सिंह के बाद तो यही स्थिति दिखाई दी कि आईपीएस को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि नेताओं को गुंडों को पालना होता है और गुंडों को पालने के लिए पुलिस की सहायता चाहिए होती है, और कलेक्टर बेचारे रेवेन्यू और लोकल कोर्ट तक ही सीमित रहते हैं। इसके पहले जब नारायण दत्त तिवारी थे तो नारायण दत्त तिवारी के समय या उसके पहले के समय जनरली कलेक्टर जो डीएम होते थे वो एसपी से थोड़े सीनियर होते थे 1 या 2 साल, तो सीनियर जूनियर के चक्कर में वो प्रोटोकॉल निपटा जाता और ये मसले कभी आईपीएस आईएएस के सामने उभर के नहीं आते। वैसा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस एक्ट 1861 का जो पुलिस एक्ट चल रहा है अभी, उसके अनुसार डीएम ये पुलिस कप्तान के ऊपर ही होते हैं, उन्हें यानी कप्तान को डीएम के आदेश भी मानने होते हैं। लेकिन जब कप्तान और डीएम के बीच में कुछ मामला फंस जाता है तो उस क्षेत्र के डीआईजी जो है
वो उसमें अंतिम निर्णय देंगे, ऐसी भी एक ये है। उसके बाद भी ये आदेश क्यों आया समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ये आदेश आया हंगामा हो गया, अधिकारियों ने कहा कि हम तो मीटिंग में ही भाग नहीं लेंगे। और जब ये सारी बातें सामने आई तो ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंची, मुख्यमंत्री जी ने इंटरवेन किया और फिर ये आदेश वापस हुआ। समझ के परे है ये आदेश गया क्यों, किसके कहने पे गया, क्या ये आदेश दिल्ली से आया, क्या दुर्गा शंकर मिश्रा जी जो है वो दिल्ली से ऑर्डर लेते हैं, मुख्यमंत्री को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। कुल मिलाकर ऐसे कई निर्णय हैं योगी जी की सरकार में जो योगी जी को यू टर्न लेना पड़ा, 4-5-6 बड़े बड़े जो हुए मैं आपको बता देता हूं। और ये बता देता है कि संवादहीनता इतनी बनी हुई है, पॉलिसी पैरालिसिस किसको कहते हैं, जो मनमोहन सिंह के टाइम पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे वो उनके योगी जी की सरकार में दिखाई देती है। मैंने पहले ही कहा कि मुलायम सिंह के बाद आईपीएस अधिकारियों को ज्यादा तवज्जो देनी पड़ी, क्योंकि आपको मसल पावर चाहिए होता है और मनी पावर तो नेता खुद ही कमा लेता है डायरेक्ट डीलिंग करके उद्योगपतियों से, ठेकेदारों से, और फिर मसल पावर के लिए आपको पुलिस चाहिए होती है। और फिर पुलिस को जब आप तवज्जो दोगी तो फिर स्थिति ऐसी भी आती है कि जब डीजीपी ओपी सिंह साहब थे, डीजीपी थे, और उनके बाद कार्यवाहक डीजीपी बने देवेंद्र सिंह, देवेंद्र चौहान, इनके दोनों के कार्यकाल में तो आईपीएस इतने पावरफुल होते थे कि कई बार ये दोनों के सामने गृह सचिव भी प्रदेश के हदबल होते दिखाई दिए जाते थे, क्योंकि योगी जी को भी आईपीएस से ही प्रेम है बाय एंड लार्ज देखा जाए तो। हालांकि उनकी कोटरी में कई आईएएस ऑफिसर भी है कि वो लगातार राजनीति करते रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो पॉलिसी पैरालिसिस है या कम्युनिकेशन गैप है वो इतना बढ़ गया। इसके मैं कुछ उदाहरण बता देता हूँ। एक तो उदाहरण यही हुआ कि जो दिया हुआ आदेश वापस लेना पड़ा, इसमें चीफ सेक्रेटरी जो थे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की उनकी किरकिरी हो गई और आईपीएस ने कहीं ना कहीं जश्न मनाया क्योंकि उनकी जीत हो गई। फिर एक ऐसा ही तुगलकी फरमान आया था कि जो धुंध गिरती है और कोहरा होता है इसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, तो एक तुगलकी फरमान निकला कि जितनी भी यूपी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें हैं, यूपी एसआरटीसी की बसें, ये रात को चलेगी नहीं। इससे हंगामा हो गया और जब लोगों के बीच में इसमें क्रोध दिखा तो फिर सरकार ने यू टर्न लेते हुए ये आदेश रद्द किया, क्योंकि कोई भी आदेश शुरू मतलब अनाउंस करने के पहले या लेने के पहले, निर्णय लेने के पहले सरकार को सर्वांगीण दृष्टि से उस पर स्टडी करना चाहिए। ये यूं ही किसी के कहने पर लिए गए आदेश ऐसे ही सरकार को मुंह पे गिराते हैं। फिर सचिवालय सेवा में जो महिला अफसर है उन्हें मंत्री की निजी सचिव नियुक्त करना चाहिए, ऐसा एक आदेश आया। उसके बाद तो और ज्यादा हड़कंप मच गया कि भाई पॉलिटिशियन उसकी निजी सचिव महिला रहेगी, बट नेचुरल है महिलाओं ने कही नहीं, लेकिन सिक्योरिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, महिला को अपने आप को सुरक्षित कैसी रह सकती है। इन तमाम चीजों का जब अधिकारियों में और कर्मचारियों में क्रोध दिखा और जब मीडिया और समाज में भी इसकी आलोचना होने लगी तो चुपचाप ये भी आदेश वापस हुआ। मैं मानता हूं कि महिलाओं की और पुरुषों की बराबरी होनी चाहिए, लेकिन फिर उस समाज भी वैसा चाहिए। हमारे यहाँ आए दिन व्यभिचार के आरोप नेताओं पे लगते हैं और इसी उत्तर प्रदेश के गोंडा के जो सांसद है वो अभी भी कोर्ट में केस झल रहे हैं क्योंकि वो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे और हमारे देश की होनहार रेसलर, महिला रेसलर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़े मेडल लिए थे, उन्हीं के इस्मत पे हाथ डालने वाले हैं, तो कौन सुरक्षित होगा? जहां प्लेयर सुरक्षित नहीं है वहां फिर निजी सचिव, तो शायद हो सकता है इसी लिए क्रोध हो। ये मेरा अपना सोच है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश से जो कहानी किससे आते हैं उसको देखते हुए। फिर ऐसा ही एक आदेश आया था, 926 पीसीएस के जवान सिविल पुलिस में शामिल किए गए, वो दरोगा भी बने। और फिर बाद में किसी को लगा कि ये पीसीएस वालों को जबरदस्ती पुलिस में नहीं भर्ती करना चाहिए था, उन्होंने उनको अपने कैडर वापस भेज दिया।
अब जो दरोगा बन गया था वो वापस जाने से तो रहा, वो कोर्ट चले गए। कोर्ट ने लताड़ लगाई सरकार को, एक तो आपको करना नहीं चाहिए था, करते समय तो सोचा नहीं, मूर्खों जैसा आप डिसीजन लेते हो और फिर जब चाहे तब तो डिसीजन बदल देते हो। जो व्यक्ति जो 3,926 लोग है, ये मानसिक प्रताड़ना कितनी झेलेंगे। सरकार को चुपचाप वो कैडर वापस, कैडर भेजने का आदेश वापस लेना पड़ा, उन्हें दरोगा में बरकरार। ऐसा ही एक फिर से तुगलकी फरमान निकला कि पुलिस सिपाही जो है वो जो हेल्पलाइन है, पुलिस हेल्पलाइन सेवा जो है, इसमें ड्राइवर बनाए जाएंगे। तो 112 नंबर घुमाने पे जो पुलिस हेल्पलाइन की सेवा आती है उसको। अब सवाल ये है कि वो जब सिपाही ड्राइवर बनेगा तो ड्राइवर के कैटेगरी में ऊपर प्रमोशन ही नहीं है। ड्राइवर के बाद ड्राइवर ही बनता है, ड्राइवर के बाद मैकेनिक तो नहीं बनता, ड्राइवर के बाद डेपो मैनेजर तो नहीं बनता। तो ड्राइवर के ऊपर प्रमोशन ही नहीं है तो उन पुलिस वालों पे अत्याचार है सिपाहियों पे। जब ये मामला तूल पकड़ा गया, कर्मचारियों में जो विरोध दिखा, बड़े पैमाने पे विरोध दिखा, सरकार फिर डर गई। सरकार ने फिर अपना यू टर्न लिया, आदेश कैंसिल किया। हालांकि अभी भी सरकारी पुलिस महकमे में ड्राइवरों की कमी है, लेकिन क्या करें, बिना सोचे समझे जब निर्णय लोगे तो ऐसा ही होगा। उसके बाद एक छठवां भी है कि अगस्त 2020 में श्रम कानूनों में संशोधन कर लिया बैठे बैठे, और कहा कि भाई 8 घंटे से जो 8 घंटे का ड्यूटी पीरियड है कर्मचारियों का या मजदूरों का, उसको 12 घंटे किया जाए। ये भी तुगलकी फरमान था, पता नहीं किसने किया, किस उद्योगपति के कहने में किया, किस बिल्डर के कहने में किया। लेकिन जब ये मामला सामने आया और जब ये ऑर्डर इशू हुआ, तब पता पड़ा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम कानूनों का उल्लंघन है ये, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके मन के हिसाब से मुख्यमंत्री है तो कुछ भी कानून पास करेंगे, और उसके तहत फिर यू टर्न लेना पड़ा, एक कानून रद्द करना पड़ा। कुल मिलाकर यदि हम जब चुनाव, अभी मैं अब सब दर्शकों के लिए कह रहा हूं कि जब हम लोगों को चुनाव जितवाते हैं तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन नाम की चीज, कुछ तो शिक्षा का स्तर ठीक होना चाहिए, कुछ तो पढ़ा लिखा एक नेता होना चाहिए कि जिसे ये मालूम हो कि यदि उनका कोई अधिकारी उसके कान में कुछ फूंक के जाता है उसके मायने क्या है, और यदि वो कानून बन के लाता है या अध्यादेश पारित करता है तो समाज के लिए कितना घातक है, उन कर्मचारियों के लिए कितना घातक है। यदि वो पढ़ा लिखा नहीं तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके वजह से ये होता है, उनको विश्वास में लेके पूछ ही सकते हैं। सिपाहियों को विश्वास में लेके पूछते कि आप ड्राइवर बनोगे, वो तभी बताते कि साहब ये तो बहुत भयंकर है, शायद ये अध्यादेश नहीं आता। महिला कर्मचारियों को पूछते कि क्या आप निजी सचिव बनना चाहेंगी, कौन अपनी निजता का अधिकार को हनन होने के लिए किसी की निजी सचिव बनेगी, तो वो इतना हंगामा ही नहीं होता। पुलिस अधिकारियों को विश्वास में लेके यदि चीफ सेक्रेटरी आदेश निकालते तो बात अलग होती, नहीं निकाला तो ये मामला गड़े पड़ गया। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश श्री राम जी के भरोसे चल रहा है। अब धीरे धीरे आपको भी विश्वास हो जाएगा जो मैं कह रहा हूं। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक देखते रहिएगा YouTube चैनल उल्टा चश्मा।